ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मामला जिला गुरदासपुर के बटाला के नजदीकी गांव साकरपुर का है, जहां विधवा औरत सभ्याचारक प्रोग्राम करके अपने और अपनी बूढ़ी विधवा माँ का पेट पाल रही है। उस पर उस समय मुसीबतों का पहाड़ टूटा जब उसके आस्तिक राजीव नंदा, जो की जिला गुरदासपुर के ही गाँव कलेर का रहने वाला है, उसके द्वारा अपनी विधवा प्रेमिका की तस्वीर और साथ में उसका मोबाइल नंबर फेसबुक पर अपलोड किया गया। जबकि कुछ दिन पहले ही पीड़ित औरत की शिकायत पर पुलिस चौकी में राजीनामा हुआ था। राजीनामा होने के बाद दोबारा से पीड़ित औरत की फोटो और मोबाइल नंबर फेसबुक पर अपलोड किया जाता है, जिसकी शिकायत आज अपनी मां के साथ जब एसएसपी दफ्तर पहुंची तो उसको पुलिस द्वारा रखे गए वॉलंटियर अंदर जाने से मना कर दिए। फिर उसे भी फैसला कहे थे इन्हें क्या तो मैं ये फोटो नहीं पावगा। उसके बावजूद भी इन्हें किनिया फोटो पाई अं कल भी उतु करा के चेहरी चु मैं नहीं पता कई चु फोटो पाते हैं पुत्र। फिर मेरे हर रिश्तेदार जो फोन कटा कटा के मुंडा एडा चंड मुंडा फोटो कटा कटा मेरे अगों एक गुड़िया का जवाई है कि गुड़िया अगों ब्याई थी उसे लुधियाने वो घर वाले उनके घर वाले ने कह दिया अपनी गुड़िया वापस लै जा मैंने नहीं चाहिए जो तू लोफर है तो भी तो लोफर ही होगी। जब महिला द्वारा समाज सेवी संस्थान को फोन किया जाता है तो समाज सेवी संस्थान की वॉइस प्रधान गीता शर्मा को भी पुलिस के वॉलंटियर द्वारा अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाती। कठिनाई है कि सानू किसी लेडीज का फोन आया जो नाम है लेडीज का कि सानू एसएसपी ऑफिस के अंदर नहीं जाया जा रहा मैम साढ़े ना मैंने अंदर भेजा जाए तो वो जो फोटो है कुछ वीडियोज ने कुछ उन्होंने ना विडो लेडी है और किसी आई थिंक सानू नहीं पता की मैटर सी हसबेंड का की है कुछ नहीं किसी लड़के ना और ये फोटो उस लड़के ने की किया ना कि सोशल मीडिया पर पाए गए जो कि एक सोशल क्राइम किया जाता वा चाहे वो रिलेशन हो चाहे ना हो फिर भी वो क्राइम ही गिना जाता वा किसी ने भी किसी पर्सनल लाइफ में इतना शेयर नहीं किया जाता फेसबुक के ऊपर। अगर वो अपनी दुकान लगाने वास्ते एसएसपी ऑफिस के बाहर नहीं है इधर एक लेडीज वॉलंटियर है जिन्हें बिल्कुल मिसबिहेव किया उन्होंने उन्होंने जान नहीं दिता ईवन तक जी माता इन बुजुर्ग है उन्होंने ना नहीं जानता जो उन्हें साढ़े को हेल्प मांगी अं मैडम पूछा वो कहती जी गुनहगार जो भी होगा सामने वो एक बंदा जाएगा जद कि ओपोजिशन बंदे दो बंदे गए हैं आखिर उस लड़की के नाल ही क्यों इदा किया गया वा बाकी भी देखो अधे घंटे बाद देखे गया वा किन्ने बंदे जो रिच फैमिली बिलोंग करते हैं लीडरशिप आते हैं उन्होंने चार चार बंदे जान रहे हैं उस गरीब ने क्यों धक्का किया गया वा सानू इंसाफ चाहिए वा डीएससी मैम तो इस गल का पता ही नहीं है वॉलंटियर ने बाहर इस लड़की ने हैंडल किया वा इस करके साड़ा अंदर पुलिस ने कोई ना हानी कोई शिकायत नहीं हैगी जी बाहर वॉलंटियर उन्हें ही मिसबिहेव किया वा हर एक जो कि चाहने कि उन्होंने कार्रवाई की जाए जिसके चलते समाज सेवी गीता शर्मा की तरफ से एसएसपी दफ्तर के बाहर पुलिस को अच्छा बुरा कहा गया। वही पीड़ित महिला की विधवा मां ने बताया कि मेरी लड़की जो कि विधवा है और कुछ दिनों से राजीव नंदा नामक व्यक्ति जो कि गुरदासपुर के कलेर गांव का रहने वाला है मेरी बेटी को फोन करके तंग एवं परेशान कर रहा है। मैं बहुत इस मुंडे को दुखी हूं, बहुत ज्यादा दुखी हूं। मेरी गरीब जी सुनो नहीं सुनता ये कि चाहिए होते कि उन्होंने कोई फैसला नहीं किया ये थे इतने गरीब जी ना कोई अंदर बढ़ने में गले मेरी गुड़िया कि जाए अंदर मुंडे वालों को तो धमकियां लाई जाती हैं। हाँ और हमें जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। मेरी बेटी की फोटो मोबाइल नंबर भी सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिए गए हैं, जिसके चलते मेरी धोती के ससुराल भी लड़की को घर भेजने के लिए कह रहे हैं। हम पुलिस प्रशासन से विनती कर रहे हैं कि हमें जल्दी से जल्द इंसाफ दिया जाए ताकि हमारे परिवार में कोई अनहोनी घटना ना घट सके। जानकारी देते हुए पीड़ित महिला ने बताया कि कलेर गांव के रहने वाले व्यक्ति राजीव नंदा द्वारा उसको फोन पर तंग एवं परेशान किया जाता है, जिसकी शिकायत पर कुछ दिन पहले ही पुलिस थाने बटाला में की गई थी और पुलिस द्वारा शिकायत दर्ज होने के बाद उस व्यक्ति को थाने बुलाया जाता है और दोनों का समझौता करवा दिया जाता है। समय व्यक्ति द्वारा बोला जाता है कि उसके पास जो भी नंबर या फोटो होगी डिलीट कर दी जाएगी, लेकिन उसके उल्ट व्यक्ति द्वारा मुझे बदनाम करने के लिए मेरी फोटो के साथ मोबाइल नंबर अपनी फेसबुक आईडी पर डाला जाता है। चौंकी तो मतलब हटाया होया ही मतलब राजीनामा होया 13 तारीख से कोई रिकॉर्डिंग ना पाऊंगा ना नाल दिन रिकॉर्डिंग पाऊंगा ना फोटो पाऊंगा
ਤੇ ਜਾਨੂ ਮਾਰੇ ਧਮਕਿਆ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੁਲਾਹ ਕਰਤੀ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ 13 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਾਹ ਕਰਤੀ 14 ਤਰੀਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਗੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹੁਣ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦੂੰਗਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਅੱਜ 11 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਰ ਕੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਧਰ ਚਲੋ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣਾ ਬਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁਣ ਫਾਲਤੂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਮੈਡਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇਕੱਲੀ ਚੱਲ ਪਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇਕੱਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਪਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਲੇੜਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰਾਜਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੱਕਾ ਨਾਮ ਹਰਜੀਵ ਨੰਦਾ जानकारी देते हुए वाइस प्रधान ह्यूमन राइट्स गीता शर्मा ने बताया कि मेरे को पीड़ित महिला की कॉल आती है कि हमने शिकायत दर्ज करवानी है, हमें वॉलंटियर द्वारा अंदर जाने से मना किया जाता है। जब एसएसपी दफ्तर पहुंचे तो पुलिस द्वारा रखे वॉलंटियर द्वारा भी अंदर नहीं जाने दिया गया। प्रशासन से पूछना चाहती हूं कि क्या पुलिस सिर्फ अमीर और राजनीतिक लोगों के लिए ही, गरीब के लोगों के लिए पुलिस नहीं है क्या? जानकारी देते हुए डीएसपी माधवी शर्मा ने बताया कि हमारे पास शिकायत आई है और हम इसकी पड़ताल करेंगे और जो भी तथ्य सामने आएंगे हम बंदी करवाएंगे। वॉलंटियर पर पूछे गए सवाल पर जवाब देने से डीएसपी ने मना कर दिया और कैमरे से भागते नजर आए देखा गया। इन विधवा माँ बेटी को पुलिस इंसाफ देने में सफल होती है या नहीं? ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸ 'ਚ ਕੁਛ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੜਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਈਡੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਕਢਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਢਵਾ ਕੇ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਤਿੰਦਰ ਖੁੰਦਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।